welcome to a very delicious session from Let's Cook It. आज लेकर आए दम आलू की वो खास रेसिपी जो स्वाद में होगी थोड़ी तीखी, थोड़ी मसालेदार और थोड़ी चटपटी। कहने वाली बात ये है कि इसे जब आप घर पर बनाएंगे तो घर वाले उंगलियां चाट जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते चटपटी मसालेदार दम आलू। मेरे प्यारे दोस्तों, मसालेदार दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेबी पटेटोस, जिसे मैंने दो विसल आने तक प्रेशर कुक करके रखा है। उसके बाद उसे पील कर लिया है। दम आलू बनाने के लिए हमें ये छोटे वाले आलू ही चलेंगे, क्योंकि बड़े वाले आलू से आप दम आलू बना तो सकते हैं पर उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ये छोटे वाले आलू ही लेने हैं। ये सारे आलूज में हम फोक की मदद से होल कर देंगे, आराम से होल करेंगे ताकि आलू जो है वो टूटे नहीं। सारे आलू में हम इसी तरह से होल कर देंगे। ये होल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आलू के अंदर तक मसाला पहुंचे। तो इसी तरह से हम सारे आलू में होल कर लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अब सारे आलू में होल हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्की सी हल्दी, एकदम चुटकी भर काली मिर्च। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये जो मसाले हैं ये सारे आलू में कोट हो जाए। तो अब ये सारा कुछ अच्छे से कोट हो चुका है आलू के ऊपर। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल हीट कर लिया है, जिसमें हम अपने ये बेबी पटेटोस फ्राई करेंगे। तो हम धीरे धीरे करके डाल देंगे। एक बार आलू डालने के बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे, आलू जलाना नहीं है, पर इसका कलर थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का आ जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे हल्के हाथ से थोड़ा चला दिया करेंगे। अब 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो आलू है वो अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो चुका है। तब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम किचन टॉवल पे निकाल लेंगे, ताकि जो आलू का जो एक्सेस ऑयल है वो आपके ग्रेवी में ना जाए। फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए कुछ लाल मिर्ची, जिसका मैंने तोड़कर इससे बीज निकाल लिया है। अब इसे क्या हम करेंगे कि इसमें हम थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और 2-3 मिनट तक गर्म पानी में रखने के बाद इसे हम ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसके अलावा हमें चाहिए कर्ड। यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है, जिसे फटने से बचाने के लिए हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब कर्ड अच्छे से विस्क हो चुका है। अब इसे हम अभी साइड रखते हैं और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करते हुए हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 इंच लंबी दालचीनी, 4 लौंग। इसे हम पैन में हल्का भून लेंगे। लो फ्लेम पे इसे हम 30 सेकंड के लिए पहले भून लेंगे। अब ऑलमोस्ट 30 सेकंड तक इसे भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ। काफ़ी अच्छी खुशबू इससे आने लग चुकी है। तो अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हल्का ठंडा होने के बाद या रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने एक कढ़ाई लिया है, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। उसे हम अच्छे से हीट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल से धुआं निकलने लगा है। अब फ्लेम को हम थोड़े देर लो पे रखते हैं 5-6 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद इसमें हम अनियन डालेंगे। तो अब हम इसमें अनियन डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज अनियन लिया है, जिसे बारीक चॉप करके रखा है। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब वापस से आंच मीडियम पे कर देंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 चम्मच,
और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि जिंजर और गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो। वेल, जिंजर और गार्लिक भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज टमाटर को काट लिया है और टमाटर डालकर साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से और जल्दी फ्राई हो जाए। मतलब टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये विस्क किया हुआ दही। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ये रेड चिली का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसे अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे। ऑलमोस्ट 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद अब दही भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और ये वो गरम मसाला जिसे हमने स्टार्टिंग में ही भून के पीस लिया था। अब इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो भूनते समय जले नहीं। और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। और बीच बीच में जब भी आपको लगे कि आपका मसाला ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दें। वेल, अब आप देख सकते हैं कि मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इस मसाले में डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी लिया है। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। इस ग्रेवी में उबाल आने देंगे और एक बार इसमें जब उबाल आ जाएगा तब फिर इसमें हम अपने फ्राइड किए हुए आलू इसमें डालेंगे। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्राइड पोटैटोस। इसमें आलू डालने के बाद अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तब नमक डालने के बाद इसे हम चला देंगे। और अब बारी है इसमें दम लगाने की, तो हम इसे लिड लगा देते हैं और लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं। 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद, कम आंच पे इसे फ्राई करने के बाद अब हम लिड हटा देंगे। और अब देख सकते हैं ऑयल फिर से एक बार ग्रेवी से सेपरेट हो चुका है। जो है मसाले जो है वो आलू के अंदर तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे, इसे हल्का मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच क्रीम। इसे मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए अगेन इसे हम कम आंच पे पकाते हैं। वेल, अब इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। इसे अगेन एक बार मिक्स कर देंगे। और लास्ट पर सबसे खास इसमें हम डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी। इसे भी चला लेंगे। और ये मसालेदार आलू दम एकदम तैयार है सर्व करने के लिए।
चटपटी मसालेदार दम आलू है एकदम तैयार। मुझे मालूम है कि ये काफी टेम्पटिंग रेसिपी है, पर इसे बनाना काफी सिंपल है, तो इसे आप घर पर जरूर बनाएं और कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आपने मेरा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ एक और खास रेसिपी के साथ। चलिए कीप वॉचिंग, एंजॉय करें।